प्रकार से हो सकता है आपके जीवन में समस्या रहा होगा, परेशानी से गुजर कर आप यहाँ पर आए होंगे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हंसी मजाक भी है, थोड़ा सा जोक्स भी है। ये कहानी एक बच्चे के द्वारा चालू होता है ना, वो बीमार होता है और उस बीमारी के द्वारा कैसे नए जीवन की ओर या मसीहत की ओर पहुंचा जाता है, उस बात को हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर अपने जो स्क्रिप्ट है उसको शुरू करने जा रहे हैं। चार बज गया, देखो तुम लोग दाई तंग आ गए हमें पति के मारे बेटा झुमरू बेटा बिना हो गए उठे झुमरू रे झुमरू वाला कहा हो गए कहा काम निकला ले तो बेटा झुमरू उठे कहा हो गए दादा पड़ोसी मतलब नाम समारो वो बेटा ला देखो तेरा कहाँ पब्लिक नाम ले देखो ना बोला कहाँ पब्लिक नाम ले बाबू यार बुला के लाओ खेलदार कैसे चलेगा बाबू बुला के लाता झुमरू के दादा एक काम हो गया समारू तो लड़का ना आखी काला पटेल देगा वो लड़का आखी काला पटेल दे कौन कौन टूरी काला ले आते बे जाएगा। और जैसे गांव में होता है उसी प्रकार से हम यहाँ पर देते हैं। हाँ।
ट्री का नाम ले देगा महाराज अब मिनटल बचा ले देर लगे देर दे वो हाँ बचाओ बचाओ ना हाँ कहाँ के बेटा तोरा अन्ने ये लड़का ऊपर भूत सवार हो गए हाँ ये भिखारी कर रहा है भिखारी बाबा एक बार तो लागी खर्चा पानी तो लागी चल रहा है हाँ बताऊँ ना रुक जा ये लड़का ना तो भूख झाड़ के और अच्छा बढ़िया है करन पड़ी और बा का का दिकर पर शरीर रहे तो काट के मेरा फिर और लागी हां हां एकर बा लागी कुकरी लागी और लिमौ लागी और दू ठन करिया वाला परेव लागी हां आवे ठन नहीं वाला हो अंग्रेजी के हां हां वो अरे हमर चेहरा माने ना अंग्रेजी वाला है रे और मोर बाबा लागी मम्मा वाला हो हाओ ता लाओ हाओ ले ले चल हाओ ले बाबा मन लगता बहुत लगा इन्हों का तेरी काल दे हाँ ले निकालू ले ना अब ऐसे एक आधा आया था ना नहीं कहा था एक बटन मांग रहे होंगे ना अब त्रिया मांग रहे नहीं पता हाँ ना भी लेकर ना वही रहा लेके लागी और फिर और लागी मैं ये भी काट देता हूँ हाँ ले चल हाँ ले बेटा आगू में कर बेटा ना लमा गोड़ हाथ का बढ़िया लमा में देख के झटपट आवे मत हाँ बेटा भूत निकल जा ये भूत निकल जा एक बाबू के शरीर में भूत चले जाए हाँ ए ए उतार दे रहा हूँ निभाऊँ मैं काट के मैं फिरा था ए भूत हो ही रहा चले जाए हाँ ए तरपनी मत किधर है हाँ ए तरपनी मत इधर वाह मस्त है काका करके मन के मन रहा बेटा बिसाऊ का के हरे वाह बढ़िया मन आए बेटा एकदम हार्ड आ रहे कैसे का आपको बेटा मिल जिगड़ी होए हाँ होए होए तेरा घर में लेके दो दिन ले बढ़िया कोठी में बांध के सुता दे रख नाक के बोला बढ़िया बने चमचमले हाँ बोला बढ़िया तू सुता दे रहो तानो ठीक हो जाएगी ठीक है बाबा आओ ये काटे होते का रे कान कहीं लागी आगे चल ना मतलब मैं अपन खाता रे तो खत्म कर नहीं भाई ऐसा नहीं लगा नहीं बेटा का फेसबुक चला बस का नहीं आजकल फेसबुक वाला जमाना नहीं है ना आओ ले धर ले ले ना 5000 दे दे जाने की मांग आओ नहीं ना नहीं बेटा अरे जान भूत ना निकाले हो बेटा बहुत बड़ी की बात है दूसरा जगह लेके तो 5000 में ज्यादा खर्चा होता वहां दे 20000 मांगते मैं 5000 मांगता बेटा 10000 ना दूंगा ले ना बेटा ले चल रख ले 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 चल बस ये कर दे हां हां यहां पर हम देखते हैं कि जैसे हम गांव में एक बैगर के पास ले जाते हैं और वो अपना जो भी कार्यक्रम है वो करता है लेकिन यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहा है यहाँ पर भाई को जो बीमार है उसको मस्जिद ले जाया जाता है वो बेटा ना काम के नहीं
देखना इमा तो भूत गुस्सा है तैसे लागत है नहीं निकाल दे निकाल अरे चिंता मत करे लइका के दादा पता चिंता मत करे का दाई अभी निकाला तुम्हें कर बुल्ला काबा की मोहल्ले बड़े कोई नहीं है मेरा अभी बुल्ला समझ ले अभी निकाला तो चल चेला हो हाँ की लपन करा और मोरफन मंत्र पढ़ा और टाइम पास कर करना चल शुरू करेगा डरा मत निकल फकल से बाकी मैं गारंटी दे दू पूरा निकल ही चल निकल जा दूसरा में कैसे निकल ही तुम्हारा ज्यादा जोर नहीं लगा था निकल कहा मालिक मालिक तुम जूता तो धो का तेरे में जूता धो रहा तू दिखाओ नहीं पा रहे भूत गुस्सा लाएगा के पास अरे जूता धो आगे से जगह एक रही से तुम्हें लाके होगा ले चल इतनी देख बने अब सीखता हूँ तबे तो बाद में अपन लेकर के पोषण पालन कर बे चल बेटा अब तो भूत दवा निकालिया मोहल्ले बड़े आयुल्ला है मेरे कोई नहीं है मैं भूत ला के अल्लाह निकाले निकाल मालिक मालिक सर दबा दूं क्या वाह ये सर दबा दी ले टेटवाल दबा ले ले सर दबा दे ये तो टाइम पास करा तुम्हें दोनों दोनों कहां कहां के एक कौन सा प्रकार के चेला बना के अब देख पे कहला भी निकाल दिया ले तो बगाम देखो कैसे निकाल था चेला वाह ये बोला चेला हां निकाल के दिखा तुम बोला बड़ा ही करे था मोरे चेला होंगे वाह अब देख अभी निकाला चेला अब भी ठीक करके देखो ले मैं चैलेंज कर रहा था ले निकाल पहले मैं देखता हूं ले तो चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रहा था आप देख बे निकल बेटा के भूत निकल यहाँ पर हम देखते हैं इन लोग भी सफल नहीं हो पाए इसके बाद इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा तो इसके बाद डॉक्टर का स्क्रिप्ट है इन लोग असफल हो गए डर के भाग गए और इसके बाद इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा बाबा कैसे बाहर आ गए मेरी के बाबा गलत नहीं निकाल सके तुम्हारा बेटा ठीक निकल सके कहां ले कौन का जुमुर के मोर करता है आओ एक डॉक्टर ना जान तो ना वो बड़े ही नाश करते हैं चलो करी करा ले वो डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब और बेटा देखो काम है कैसे 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 करते हैं बेटा लेकिन कैसे तुम काम हो रहा चेक कर रहे हो कैसे करेगा थोड़ी ना कर रहा था तो ही कर रहा था वो बीमार बड़ा बीमारी हो गएगा क्या हो गए डॉक्टर किडनी फेल हो गई किडनी फेल हो गए तो तब बोले इलाज इलाज हो ही पाँच छह हजार लागे इलाज में कहीं देखी ठीक हो जाए ऐसे का ओ तो कैसे आप पाँच छह लाख लागेगा सर डॉक्टर बड़ी बीमारी बड़ी बीमारी है ना एक रहे थी हम पड़ोसी बीस हजार में करा रही से बड़ी बीमारी है रे एक रहे थी लागी है दोनों की दिली खराब हो गए ना एक ऐसे का ओ तो मैं दवाई लिख के देखो मंगा ले और अभी खिला रहे ओ सर ले जाता मैं दवाई लाना था ओ एक कम ऑर्डर ये दवाई ले दोगा हाँ बोला टेबल फोन कहाँ की दवाई का
नहीं जानोगा वो बेटा मो कैसे यार करा छटपटावा थे भी अकेला बेटा है रे मो ये तो किडनी की दवाई ना रे बहुत महंगा भी उठे ऐसे का तो किडनी की दवाई रे तो काका काका टूरिक नाम तक बोले थे ता नहीं किशन बोला एक जगह ले जाओ धनतरी में धान बंगला मार्ग में दर्चन चाम गांव में और वहां प्रभु के बड़े बड़े सेवक थे कहता वहां से इलाज करावे वहां प्रार्थना करवावे प्रभु बोला चंगा करेगी और तुम्हारा एक रुपया खर्चा करे नहीं लगेगा ले अभी दवाई ले रहे थे इसका ये तो बोलते नहीं होता कि भूत प्रेत वाला है ऐसे का कतेक पैसा खर्चा करबो ना बेटा कर दही ओ कंपाउंडर साहब आ बताई से एक टाइम जेते दान बन लगा और भाई को जब तीन जगह घुमाया गया केवल तीन जगह नहीं बहुत सारी जगहों में ले जाया गया लेकिन उन भावों को हम छोटा करके आगे बढ़ा रहे हैं अपने कार्यक्रम को। इसके बाद भाई को चर्च ले जाया जाएगा जहाँ पर फास्टिंग प्रेयर चालू है ना, फास्टिंग प्रेयर चालू होगा और उस जगह में ले जाया जाएगा और जहाँ पर विश्वासी लोग पास्टर लोग परमेश्वर के भवन में बैठेंगे और उपास प्रार्थना बैठेंगे और भाई को उस जगह में ले जाया जाएगा और उसके लिए दुआ प्रार्थना और वचन बताया जाएगा। जुमरू के दादा मोर पिता दादा चाहे और मां चिंता कर उम्र काल पार चाहिए पास्टर साहब जी देख तो गाना बेटा का हो गए क्या हो गया इसको देखो ना कहाँ के ठीक नाम में गए थे बिठाइए ना जी कलम है जुमरू इसलिए कर भाई आया मालूम बेटा बचा ले पास्टर साहब कई जगह लेंगे कोई ठीक नहीं कर सकते बचा तो मैं नहीं सकता हूँ सिर्फ मैं प्रार्थना कर सकता हूँ इसके लिए और मेरे पास बचाने का भी शक्ति नहीं है जिस परमेश्वर को मैं जानता हूँ और उसकी मैं उपासना करता हूँ उसके नाम से मैं भाई के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ क्या आप लोग समझते हैं हाँ बने वाला कर रहे हम बने ही वाले करते हैं निकलना चाहिए बने एक के नाम लिख लेते इसमें वाले एक ही बार निकलेगा सिर्फ आप अपना विश्वास को आप शामिल लाइए और इस पर विश्वास कीजिए परमेश्वर अवश्य संग करेगा भाई हम भाई के लिए प्रार्थना करेंगे भाई आप भी सामने आ जाएंगे सुना जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप मेरे साथ दोहराइए परमेश्वर परमेश्वर मैं झुमरू
प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके सम्मुख आता हूँ। मैं मेरे जीवन में जो भी अपराध पाप जो भी मैंने गलतियाँ की है, जो भी ऐसे काम किए हैं, जो आपकी दृष्टि में गलत है, हम हरेक पापों को अंगीकार करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, आप अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से, अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। मैं अपना जीवन आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन को आप ग्रहण कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई के लिए स्वर्गीय पिताजी, एक बार फिर से आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु नाम को लेकर आपके सम्मुख आते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं भाई झूठों के जीवन के लिए, प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने पापों को अंगीकार किया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिताजी आपका वचन कहता है जो अपने पापों को मानकर उसे छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। प्रार्थना करते हैं भाई के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक प्रकार की दुष्टात्मा जो की शक्ति, हर एक सैतानिक शक्ति को यीशु के नाम में हम खंडन करते हैं पिता। आपकी महिमा, आपकी करुणा भाई के जीवन में हो रही पाए, आपकी महिमा के भाई को इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद पिता, चालीस प्राप्त यीशु के नाम में आशीष मांगते हैं। ठीक लग रहा है? यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और इस कहानी के द्वारा हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि हम इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, इस परिस्थिति से हम आ चुके हैं। हो सकता है बहुत जगह में हमने घूमा होगा, बहुत जगह में गए होंगे, लेकिन हमने कहीं पर भी अपने जीवन को, अपने जीवन की जो बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, उसका साधन को हमने नहीं पाया होगा। लेकिन जब हम चर्च में आए, हमारे लिए दुआ किया गया और हमने अपने विश्वास को प्रभु की ओर लगाया, हमने अपने जीवन में एक बदलाव को देखा। इस भाई का जीवन बदल गया, इसके परिवार का जीवन बदल गया और उसके साथ जितने लोग थे उनका जीवन भी बदल गया। हम इधर उधर की बातों को ध्यान न दे, परंतु अपने विश्वास को प्रभु की ओर लगाए। आप सबको जय मसीह की और आप सबका धन्यवाद।